हरियाणा में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा सातवें आसमान पर है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने जोर शोर से चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। एनडीटीवी की एक खबर के मुताबिक सूत्रों का ये मानना है कि दोनों ही पार्टियों को उम्मीदवार के चयन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये खबर ऐसे समय में आई है जब कुछ ही दिन पहले ही कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ सीट बंटवारे की बातचीत शुरू की थी। कांग्रेस इंडिया गठबंधन को फिर से मजबूत करना चाहती है, जिसने अप्रैल जून में हुए लोकसभा चुनावों में 10 में से 5 सीटें जीती थी। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती सीट बंटवारे को लेकर है। लोकसभा चुनावों की तरह ही इस बार भी राज्य और केंद्रीय नेताओं के बीच मतभेद है। हरियाणा कांग्रेस के नेता राज्य की 90 सीटों में से ज्यादा सीटें छोड़ने को तैयार नहीं है। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी को कौन सी सीटें दी जाए इस पर भी मतभेद है। आप जिन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती हैं उनमें से कुछ पर कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने वफादारों को टिकट देना चाहते हैं। सूत्रों ने कहा है कि कांग्रेस पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को अपने टिकट पर चुनाव लड़ाएगी। कांग्रेस और आप ने बुधवार को सैद्धांतिक समझौते की घोषणा की। हरियाणा में बीजेपी के लिए चुनाव से पहले ही बवाल शुरू हो गया। कई नेताओं को टिकट नहीं मिला, जिससे पार्टी में नाराजगी है। जेल मंत्री रंजीत चौटाला और विधायक लक्ष्मण नापा ने टिकट कटने के बाद इस्तीफा दे दिया। चौटाला ने कहा कि वो अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, जबकि नापा ने कांग्रेस नेता हुड्डा से मुलाकात की और कांग्रेस ज्वाइन करने की बात कही। चौटाला हरियाणा के दिग्गज नेता देवीलाल चौधरी के बेटे हैं। देवीलाल दो बार मुख्यमंत्री और उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। चौटाला रानिया सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जहां से उन्होंने 2019 में निर्दलीय जीत हासिल की थी। बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए थे और हिसार लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी ने इस बार रणिया सीट से शिषपाल कंबोज को टिकट दिया है। वहीं टिकट कटने से नाराज ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष करण देव कंबोज ने भी इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा, शायद बीजेपी को अब वफादार लोगों की जरूरत नहीं है। कंबोज ने बीजेपी पर विरोधी दलों से आए नेताओं को टिकट देने का बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर भले ही कांग्रेस पर बढ़त हासिल कर ली हो, मगर उसे टिकट न मिलने वाले नेताओं की नाराजगी भी झेलनी पड़ी। पूर्व मंत्री और विधायक सहित बीजेपी के कई नेता पार्टी से किनारा कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की अभी तक पहली सूची जारी नहीं हो सकी है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हाई कॉन्फिडेंस का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चुनाव लड़ने के लिए 2500 से अधिक आवेदन मिले। आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन होने की खबरें भी हैं। सूत्रों की माने तो इसे लेकर पार्टी की राज्य इकाई में रोष व्याप्त है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इस चुनाव में पार्टी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी। पार्टी के इंटरनल सर्वे में भी ये बात सामने आ चुकी है। ऐसे में आपके साथ गठबंधन करने का मतलब कांग्रेस के हाई कॉन्फिडेंस को डगमगाना है। प्रदेश की सभी 90 सीटों पर कांग्रेस के पास मजबूत उम्मीदवार हैं। बावजूद इसके आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन होता है तो पार्टी को कई सीटों पर भाजपा जैसी बगावत का सामना भी करना पड़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक खुद पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा इस गठबंधन के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व चाहता है कि आपके साथ गठबंधन किया जाए। राहुल गांधी ने इसके लिए सहमति दी है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है, जबकि नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। वीडियो डेस्क एनबीटी ऑनलाइन।